हेलो एंड वेलकम बैक। आज फिर से खेलने वाले हैं हम कार फॉर सेल सिमुलेटर। भाई आपको पता ही होगा इस कार में हम एक कार डीलर हैं और इसमें हम लग्जरी कार वगैरह खरीदते हैं अपने नेबरहुड से, कार मार्केट वगैरह से, उनको मॉडिफिकेशन करा के, उन्हें रिपेयर करा के हमें अच्छे प्राइस में बेचना होता है। और अभी हमारा कार, अभी कार का ऑफिस भी हमारा छोटा सा है, उसको भी हम अपडेट करके बड़ा करने वाले हैं और हम अच्छी अच्छी कार को इसमें खरीदने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने 2-3 कार सेल करी थी, उससे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था। तो आज देखते हैं भाई कौन सी कार हम खरीदने वाले हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो भाई आज हमारा फोर्थ डे स्टार्ट हो चुका है, आज है थर्सडे और लास्ट दिन जो था वेडनेसडे, उस दिन हम गए थे कार ऑक्शन में। तो आज भाई चलते हैं अपने ऑफिस। भाई हम ऑफिस नहीं गए थे लास्ट टाइम, तो ऑफिस चलते हैं, उसको थोड़ा बहुत क्लीन वगैरह करते हैं और आज नई कार्स वगैरह हम खरीद के लाने वाले हैं। तो चलते हैं भाई ऑफिस, पहले तो ऑफिस देखते हैं कैसा गंदा और क्या साफ है। भाई लोग कूड़ा भी फेंक के चले जाते हैं, देखो मेरे को लग ही रहा था इन्होंने कूड़ा फेंका होगा। देख रहे भाई इतने बड़े बड़े कूड़े के पैकेट फेंक देते हैं ना भाई यहाँ पे, पता नहीं कौन लोग हैं यार ये। जल्दी उठा के इनको भी सब क्लीन करना पड़ेगा। अरे कोक की बोतल पी लेते हैं भाई, कौन पी रहा है इतनी कोक, सबको भाई पहले तो इन क्लीन करना पड़ेगा तभी ऑफिस खोलेंगे यार हम। चलो भाई ऑफिस खोलने का टाइम आ चुका है, तो भाई ऑफिस आ चुके हैं पर ऑफिस में हमारे तो कोई कार तो है ही नहीं सेल करने के लिए भाई। तो चलते हैं अभी, और अभी नेबरहुड में चलते हैं भाई, नेबरहुड पे चल के कोई नई कार वगैरह खरीद के लेके आते हैं। अभी तो ऑफिस बंद करने का टाइम हो चुका है क्योंकि लास्ट टाइम कार ऑक्शन में गए थे ना भाई, कार ऑक्शन में काफ़ी महंगी महंगी कार है, हमारे बजट के हिसाब से नहीं है। अभी हमारे पास पैसे भी कम है और हमारे यहाँ पे कार मार्केट में भी खाली काफ़ी महंगी महंगी कार मिल रही थी। तो नेबरहुड में चलते भाई, नेबरहुड में क्या पता आज कोई सस्ती वगैरह कार वगैरह आई हो नहीं तो बढ़िया है, हमारे बजट में आज मिल जाए तो बढ़िया है। और यहाँ पे एक कार तो दिख रही है मेरे को, ये कार भैया कितने की दे रहे हैं। हाँ जी भैया ये कार कितने की मिलेगी हमें, 5000 की मिल रही है वैसे तो, 1989 का मॉडल है। और इसकी कंडीशन वो चेक कर लेते हैं, वैसे मेरे को सही लग रही है, पुराना मॉडल है वैसे पर भाई वैसे लुक वाइज सही है, अभी कुछ डैमेज वगैरह तो नहीं लग रहा मेरे को ज़्यादा, वैसे सही है वैसे तो। पहले और कार चेक करते करके आते हैं, अगर कोई और कार मिल रही होगी तो सही है वरना इसी को लेना पड़ेगा हमें। तो चलते भाई अभी और कार ढूंढते हैं हमारे, क्या होता है नेबरहुड में नई नई कार आई हो कोई, और कोई कार है क्या यहाँ पे इस तरफ, तो अभी कोई कार नहीं दिख रही। ये वाली कार कौन सी है, एक कार ये तो दिख रही है मेरे को, ये क्या लुक है, लुक भी सही है इसका तो वैसे। और अंकल जी ये कितने की कार दे रहे हो अभी, ये वाली कितने की, 14000। नहीं भाई पूरे पैसे खर्चे नहीं कर सकते हम, कहीं अगर कार बिकी नहीं तो भाई लॉस हो जाएगा पहले ही शुरू होते ही। एक कार ये, एक कार सामने है, तो लेट्स सी कितने की दे रहे हैं ये वाली, तो ये मेरे को लग रहा है सस्ते में मिल जाएगी, सस्ते में, इसके लुक वगैरह भी ज़्यादा सही नहीं है। और ये तुझा 15 का मॉडल है वैसे तो, 13000 का, नहीं यार 13000 का नहीं खरीदेंगे भाई इसको, क्योंकि सारे पैसे इसी में चले जाएंगे, महंगी मिल रही है भाई ये, 13 की तो नहीं है ये, 13 इसका नहीं दूंगा। एक कार ये है, ये कितने की दे रहे हैं आंटी जी, आंटी जी पैसा बताइए ना, 15000, नो वे 15000 भाई इस गाड़ी के नहीं दूंगा मैं, 15000 कौन देगा इसके यार भाई, 15000 की तो है भी नहीं वो। ये वाली कार कितने की मिल रही है, ये तो कार मैंने पहले भी ली थी, नहीं ये वाली मेरे को शायद 11 की दे रहे हैं, ये कितने की दे रहे भैया, 7000 की मिल रही है वैसे तो, ये मैंने पहले भी ली थी और इसका एक तरफ का दरवाज़ा ख़राब है यार, वैसे 7000 की मिल रही है मेरे को ये वाली सही। भाई मॉडल कौन से साल का देखूं, 2004 का मॉडल है, 38 किलोमीटर चली वैसे तो, मैं सोच रहा हूँ इसको ले लूँ भाई, ये सही लग रही है मेरे को, तो भाई ले लीजिए आज की पहली कार है हमारी ये, और टोटल हमारी ये फोर्थ कार है जो हम बाई कर रहे हैं। तो इसको पहले एक बार चेक करते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिपेयर फ्यूल कार पैनल, ओ भाई 50% डैमेज है यार, ये मैंने गलत ले ली शायद, ये शायद बिकेगी नहीं मेरे को लग रहा है, 50% डैमेज है ये। तो भाई चलते हैं इसको ऑफिस लेके चलते हैं और उसके बाद, अरे मैं बाहर क्यों निकल गया, तो चलते हैं भाई इसको ऑफिस लेके चलते हैं पहले तो, और उसके बाद देखते हैं क्या होता है बिकेगी या नहीं बिकेगी, तो वहीं जाके पता चलेगा हमें। तो भाई चलते हैं अभी तो ऑफिस, चल तो सही रही है स्पीड भी काफ़ी ओ नहीं नहीं ज़्यादा आगे आ गया, ज़्यादा आगे आ गया, इतना आगे नहीं जाना यार, बस बस हट जाओ भाई हट जाओ। ये वाली कार भी सही लग रही है, रेड वाली जो आई है हमारे सामने,
ऑफिस का रास्ता यहाँ से था, हाँ मेरे को याद है, यहाँ से रास्ता हमारे ऑफिस का, भूल जाता हूँ रास्ता यार मैं बीच बीच में। हाँ ये यहाँ से है। हट जाओ भाई हट जाओ, अपनी नई कार लेके आ चुके हैं, आज की हमारी पहले की कार है भाई। धीरे धीरे करके हम लग्जरी कार भी खरीदेंगे भाई, बड़ी बड़ी कार खरीदेंगे। अभी तो यार ये छोटे से शुरू करना पड़ रहा है क्योंकि भाई बजट, ओए हट जा भाई, बजट हमारा भी काफ़ी कम है। वैसे अब 7,000 दोबारा, मेरे वैसे 14,000 दोबारा 7,000 हो चुके हैं। ओ नहीं 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 चलो भाई ऑफिस पहुंचने वाले हैं अभी तो, और आई होप ये कार हमारी बिक जाए। तो आ चुके हैं भाई हम डेवॉल कार्स में। ओ नहीं 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 पहले बहुत डैमेज है, मैंने और डैमेज कर दिया उसको। लेट्स सी भाई कितने की जाती है ये वाली कार। बाहर निकलो भाई, ऑफिस आ चुके हैं और आज की हम पहली कार को अपने लिस्ट करने वाले हैं। और अपडेट ऑफिस से, तो ऑफिस अपडेट नहीं करना मेरे को, बैक करो वेब पेज। और ये क्या है, चेवलेट कोबाल्ट, पता नहीं क्या क्या नाम है भाई इन कारों के। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खाली होंडा लिख देता हूँ, किसी को क्या ही पता चल रहा है। और मैं सोच रहा हूँ 7 की लाए तो 10 की मैं सोच रहा हूँ प्रोबेबली बिक जानी चाहिए। ये देख लो डैमेज हमारा 53% हो गया, 3% तो मैंने डैमेज करा है इसको, और फ्यूल वगैरह भी है, बाकी चीज़ तो सही है इसकी। तो मैं अभी चल के देखते हैं भाई कोई कस्टमर वगैरह आया है कि। ओ भाई 4 कस्टमर आ चुके हैं। हाँ जी आंटी जी आप ले रहे हो क्या? ले लो इस कार को ले लो भाई, बढ़िया कार है, एकदम मस्त कार है, ये बार्गेन ना करे बस। ओ भाई फेयर प्राइस कह रही है, तो फेयर प्राइस कह रही है, तो ले लो आंटी भाई, 7 की 10 की ले लो आप। फेयर प्राइस कह रही थी आंटी, आंटी को ये प्राइस सही लगा भाई, सेल आंटी ले लो आप। बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, 17,000 हो चुके हैं हमारे रुपए, $17,000 कमा लिए हमने अभी तक। स्टार्टिंग हमने 7,000 से करी थी और हमने भाई मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। हाँ भाई मेरे को लग नहीं रहा था ये कार बिकेगी क्योंकि डैमेज थी ना ये कार। तो अभी भाई चलते हैं दोबारा नेबरहुड में, वहाँ पे हमारे क्या अभी चलते हैं, मैं सोचा कार मार्केट में क्या होता कोई कार मिल जाए। नेबरहुड में ज़्यादा अच्छी कार नहीं मिल रही, तो हम कार मार्केट में चलते हैं, वहाँ पे महंगी भी मिलती है और थोड़ी बहुत सस्ती मिल जाती है कार मार्केट। अरे यार कार मार्केट तो आज लगी नहीं है, आज कार मार्केट बंद है यार। वही रात हो चुकी है यार, रात हो चुकी है, आज का दिन हमारा काफ़ी अच्छा रहा। तो चलते अपने कंटेनर में भाई सोने के लिए, कंटेनर को भी हमें अपडेट करना पड़ेगा उस टाइम बाद। तो चलते हैं भाई सोने, टाइम हो चुका है अभी तो। भाई गुड मॉर्निंग एवरी वन, गुड मॉर्निंग, आज फ्राइडे हो चुका है और इस हफ्ते के काफ़ी हमारे 17,000 कमा लिए हमने, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा इस हफ्ते का, तो हम काफ़ी अच्छे डीलर बन चुके हैं। बस धीरे धीरे करके ऐसे ग्रो करना है और बढ़िया पैसे कमाने हैं। तो अभी कहाँ चले, गैस स्टेशन नहीं जाना, कार मार्केट आई, सर्टेन डेज ऑफ द वीक यू कैन फाइंड, कार मार्केट चल के देखते हैं भाई क्या होता, खुली है नहीं खुली, कल तो ओ आज खुली हुई है, नाइस, कल नहीं खुली थी भाई, आज खुली हुई है कार मार्केट। लड़ती को अच्छी कार मिल जाए भाई, ये कार खरीदनी है मेरे को, इतनी मस्त मस्त कार है ना यहाँ पे, देख रहे हो क्या मस्त कार लग रही है, पर मेरे को पता है ये लाखों की कार है ये, अभी देखो कितनी मस्त मस्त कार है यार यहाँ पे, ये वाली भाई भाई साइन मस्त कर रही है। प्राइस पूछो यहाँ पर कितने की मिल रही है, कितने की दे रहा भैया, ओ 2,62,000 की, भाई साहब नो वे, ये तो हमारा बजट ही नहीं है इतना। ये कार पूरी आगे से डैमेज हो रखी है, ये आंटी कितनी दे रही हैं, 1988 का मॉडल है, 12,000 की ले, नहीं इसे नहीं लूँगा यार मैं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो, ये मेरे को सही लग रही है। ये वाली आंटी कितनी दे रही हैं, आंटी जी सही प्राइस लगा लो, ओ नहीं 1,00,000 समथिंग दिखा रही है वो तो। ये वाले कितनी दे रहे हैं, ये भी मेरे को मिल रहा है 20 तक मिल रही होगी पक्का बता रहा हूँ, 77 की, भाई डैमेज कार भी इतनी महंगी मिल रही है यहाँ पे। ये वाले भैया सही से दे दो यार, 10 तक दे दो मेरे को, 10 तक दे दो, 12 की, 1982 का मॉडल है, 61,000, और BMM नाम लिखा है इसका, तो BMW हो सकता है शायद, ये BMW का पुराना मॉडल है ये, तो यहाँ पे लोगों को भी होता है ना, देख रहे हो ये लोगों हटा रखा किसी ने, वैसे लुक वगैरह तो काफ़ी सही है इसकी, पर यार बार्गेन की स्किल हमारी अब तक अनलॉक नहीं हुई यार। यू कैन ओपन ए स्किल टू सी दी कार डैमेज एंड गेट एन एक्सपे, यू कैन ओपन ए स्किल फॉर बार्गेन, स्किल कैसे अनलॉक करनी है इसमें,
तो भाई एक बार मैं और कार चेक करके आता हूँ, उसके बाद यही कार ले लूँगा मैं सोच रहा हूँ। और ये वाली कार भी मेरे को ठीक लग रही है वैसे तो। प्राइस भी उसका कितना है? 2008 का मॉडल है वैसे, 25,000। ओ भाई ये तो सही मिल रही है, 2008 का मॉडल है और 25,000 किलोमीटर ही चली है वैसे तो काफ़ी। और मेरे को कहीं से ये डैमेज तो नहीं लग रही वैसे, नहीं काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। तो मैं ये वाली कार ले रहा हूँ आज के लिए। तो लेट्स सी भाई, इससे थोड़ा महंगा करके बेचेंगे यार आज। तो बाय कर लेते हैं आंटी से इस कार को। तो चलो भाई हमारी फिफ्थ कार आ चुकी है, इसको स्टार्ट करते हैं और इसको भी लेके चलते हैं अपने। अरे मैं उतर ही क्यों गया चलती कार से भाई। चलो भाई हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलो भाई हॉर्न भी सही बज रहा है अभी। तो चलते हैं भाई अपने अभी ऑफिस चलते हैं और इस कार को बेचने की ट्राई करते हैं। हट जाओ भाई हट जाओ इससे। तो भाई मैं सोच रहा हूँ इसको आज थोड़ा मॉडिफिकेशन कराते हैं इसमें, इसका थोड़ा बहुत कलर वगैरह चेंज कराने की सोचता हूँ मैं। अगर इसे कलर हट जाओ भाई, ड्रिफ्टिंग वगैरह नहीं 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 इतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट भी नहीं मारनी भाई ज़्यादा। ओए ओ बच गया बच गया बच गया बच गया। टायर हल्के से स्लिप कर रहे हैं इसके वैसे, पर कोई नहीं इसको लेके चलते हैं आज थोड़ा बहुत इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह कराते हैं। आज हम पे पैसे तो हैं वैसे, और देखते हैं मॉडिफिकेशन करा के कितने की जाती है वाली कार। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। अरे यार कूड़ा पता नहीं कौन फेंक देता हमारे ऑफिस के आगे बार बार। इसका कलर पेंटिंग कहाँ पे था? ये रहा कलर पेंटिंग यहाँ पे है, तो कलर पेंटिंग करवाते जा रहे इसमें। और प्राइस वगैरह सही होगा तो तभी लूँगा, तभी कराऊँगा कलर पेंटिंग। भैया जी कलर पेंटिंग करवानी है इसमें, कौन सा कलर सही लग रहा है प्राइस बता दो मेरे को एक बार। $300 का तो ज़्यादा महंगा तो नहीं है वैसे तो। कौन सा कराऊँ? अबे ये तो कार को पॉलिश, कार की पूरी कार को करना है पॉलिश। पॉलिश तो नहीं करना है पार्ट्स। ये पूरी ग्रीन हो चुकी है, रेड रेड में कैसी लग रही है यार ये? रेड में भी सही लग रही है वैसे तो मेरे को ये, बाकी कलर से ना तो ब्लू ब्लू भी सही नहीं लग रही ज़्यादा। ये रेड सही लग रही है वैसे तो। मैं सोच रहा हूँ इसको रेड करवा ले क्या। चलो भाई रेड करवा लेते हैं। चलो भाई रेड कलर हमने करवा लिया अपनी नई कार में भाई, काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीट भी देख रहे हो काफ़ी मस्त लग रही है रेड कलर की। अब थोड़ा सा महंगा करके बेचेंगे इसको। चलो भाई कार में, अरे हट जा भाई एंटर करने का उधर से। अच्छा मैं गलत जगह से एंटर कर रहा था भाई। चलते हैं भाई अभी तो। अरे मैं कार चालू करके मैं उधर को जाता हूँ भाई, क्या कर रहा हूँ मैं। चलो भाई तो भाई अब पहली कार है जिसमें हमने मॉडिफिकेशन में वैसे खर्च करे हैं, पर ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ बच गया बच गया। ये पहली कार है जिसकी मॉडिफिकेशन मैंने पैसे खर्च करे, वरना मैं और किसी कार में मैंने अभी तक पैसे खर्चे नहीं करे हैं। ये थोड़ी मेरे को लग रही थी क्या होता बिक जाए मॉडिफिकेशन करा के सही ज़्यादा। और चलते हैं भाई, और एक कूड़ा फेंक के ना इन्होंने मेरे घर की ऐसी तैसी कर रखी ऑफिस की। अच्छा ऑफिस लेना पड़ेगा भाई अब पैसे आने, तो एक बार सारा क्लीन करो जल्दी से एक तो, और फिर ऑफिस खोलेंगे आज हमारी की नई कार ली है हमने आज तो। लेट्स एक तो अपने लिए भी कार लेनी पड़ेगी यार कुछ टाइम में, क्योंकि हमें पैदल जाना पड़ता है बार बार। पता नहीं क्या नाम है इसका तो। और इसकी तो हमने बाइंग प्राइस ये है देख रहे हो, तो मतलब इसको मैं 7,000 में बेचने की कोशिश करूँगा, क्योंकि पैसे भी मैंने लगाए हैं भाई। पहली कार है इसमें पैसे लगाए मैंने, तो भाई 7,000 में बेचने की कोशिश करते हैं। पुट इट ऑन सेल भाई, अभी कार हमारी सेल में लग चुकी है। इसकी मैंने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह देखी नहीं, डर्टी हो चुकी है वैसे तो काफ़ी ज़्यादा। अगर बिकी नहीं तो मैं वॉश कराऊंगा इसको भाई। अरे कैमरा भी नहीं खुला ना अभी हमारे पास, कैमरा भी नहीं है अभी तो। कैमरा भी आ जाना एक बार। ओ एक कस्टमर आए, एक आंटी जी, आंटी जी आंटी जी आंटी जी पानी पिला दीजिए, कार ले लीजिए। आंटी कितना प्राइस बोल रही है? बार्गेन तो पक्का करिए आंटी। आंटी आइए तो
आंटी जी भाई बार्गेन करके बोल रही है 2614 यार, ये तो बहुत कम बोल रही है यार। हमने इतनी मतलब इससे महंगी खरीदी है भाई, मैंने $300 इसमें पेंटिंग में लगाए हैं। आंटी मतलब क्या बात कर रही है आंटी, ये इतने सस्ते में थोड़ा ना मिल जाएगी आंटी, आप तो मजाक सोच रहे हो यार। तो चलो भाई और किसी से पूछते हैं, और ये नए तीन कस्टमर आ चुके हैं, और ये कितने दे रहे भाई, लेट्स सी। अबे ये तो और कम दे रही है, आंटी से भी कम दे रही है बहन, तो रहन दे। आंटी दोबारा आ चुकी है यार, आंटी क्या हो गया आपको दोबारा, पहले सही नहीं मिल रहा था क्या आपको? ले लो आंटी जी, कितने बोल रही है आंटी, अभी ये भी कम ही बोल रही है यार, इससे बात करें। हाँ जी आप कितने बोल रहे हो, सही से ले लो यार, इतने मतलब मैंने पेंट भी करा रखा है उसमें भाई, ये तो और इसी उससे भी कम बोल रही है। और ये भैया कितने बोल रहे हैं, हाँ जी भैया ले लो यार, सही प्राइस में लगा तो रहा हूँ इतना मैं, दे अच्छी। अबे भाई ये सब इतना मतलब भाई तीन, चलो यार इस आंटी को मैं सोच रहा हूँ बेच दूँ, मतलब लॉस में बेचना पड़ेगा मेरे को लग रहा है भाई, आंटी को मैं सोच रहा हूँ लॉस में बेच दूँ भाई। चलो भाई आंटी को बेच रहे हैं यार, अभी बेच देता हूँ भाई, खाली वो काल पड़ी रहेगी कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं थोड़ा बहुत लॉस हुआ, इतना सारा प्रॉफिट भी हमने कमाए रखा है। तो भाई अभी चलते हैं ऑफिस बंद करके, अभी तो हमारे पास और कोई कार नहीं है बेचने के लिए, और लेट्स सी अब चलते हैं, शायद मैं नेबरहुड में चलते हैं अभी तो, और कोई नई कार आ गई होगी तो वहाँ से ले लेंगे अभी। तो चलते हैं भाई अभी नेबरहुड में, और आ चुके भाई नेबरहुड में, और यहाँ पे लेट्स सी कोई नई कार आई है क्या भाई साहब, ये कार, ये वाली कार मेरे को लग रहा है थोड़ी सस्ती मिल जाएगी हमें वैसे। हाँ आंटी जी कितनी दे रहे हो, आंटी नहीं है भाई वो लेडीज़ है क्या, अरे मस्त लग रही है, नहीं आप प्राइस बताओ, प्राइस कितना है, प्राइस 6, अरे यार 6000 की बोल रही है, तो महंगी यार इतनी, मतलब मेरे को लग भी नहीं रहा इसकी कंडीशन देख के 6000 इसकी मैं दूंगा, और ये मेरे ख्याल से फिर बिकेगी भी नहीं तो क्या फ़ायदा है इसका। लेट्स सी कोई और कार मिलती है तो, ये वाली भाई ये कौन सी, सुपरा लग रही है, तो भाई सुपरा लग रही है मेरे को वैसे, सही है वैसे तो, एक तरह से कार डैमेज थोड़ी सी। प्राइस कितने दे रहे भैया जी, अबे रात हो गई यार, गलत टाइम पे आया मैं भाई, रात हो चुकी है और सारे कस्टमर अभी कस्टमर नहीं सॉरी नेबर और जा चुके हैं अपनी कार लेके, तो भाई चलते हैं सोने के लिए, गलत टाइम पे आया मैं, तो चलते हैं भाई अभी जल्दी से, बर्गर लगा हुआ है भाई इधर तो, सोने के लिए चलते हैं अभी अपना कंटेनर में। और कंटेनर, अबे कंटेनर कहाँ गया मेरा, अच्छा ये रह रहा भाई, भूल जाता हूँ रात को दिखता ही नहीं कंटेनर यार, लाइट भी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। चलो भाई सो जाते हैं अभी तो, गुड मॉर्निंग आज, गुड मॉर्निंग सैटरडे हो चुका है और छठा दिन है आज हमारा, और लास्ट दिन हमने थोड़ा सा लॉस लिया यार, अब क्या करें लॉस, अब वो कार को बेचना पड़ता भाई। तो भाई चलते हैं, आज मैं सोच रहा हूँ अब चलते हैं रेड बार, रेड बार चलते हैं भाई, क्योंकि पिछली बार हम नेबरहुड और कार मार्केट वगैरह हो चुके हैं और रेड बार नहीं गए हम, तो भाई रेड बार चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ओ भाई ये रहा रेड बार, काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे बाहर से देखने में भाई, कार जो भार है ये बिकेगी नहीं, अरे बेच दो भाई मेरे को बेच दो, ये भी सही लग रही है उस कंडीशन तो। और ये लफंडर कौन खड़ा भाई, ओए एक मिनट ये क्या दे रहा है, ब्लैक मार्केट, ओ भाई ब्लैक मार्केट आईपैड मिल रहा है, हैमर मिल रहा है, और ये क्या है, अभी और दो चीज़ें आने वाली हैं इसमें अपडेट में, और भाई आईपैड मिल रहा है मैं 1500 का, काफ़ी ज़्यादा अगर पैसे होते मैं लेता, और हैमर मिल रहा है मैं 500 का, और ये बाकी चीज़ें अभी खुली नहीं है तो धीरे धीरे खुलेंगी, अगर पैसे होते तो मैं लैपटॉप ये क्या नाम है इसका आईपैड ले लेता, पर हमारे पास पैसे नहीं है तो अभी चलते अंदर ही चलते हैं भाई, इधर से बाद में बात करेंगे, अगर पैसे आएंगे तब मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पे। आंटी जी आप ऐस करो, चलो चलो भाई, ओए भाई बहुत लोग बैठे हैं भाई यहाँ पे, तो लेट्स गो अंदर चलते हैं, और अंदर क्या चल रहा भाई, पत्ते चल रहे हैं अंदर, पर एक गेम खेलते हैं भाई, थोड़ा कम की लगाते हैं बीट, और $1 की मैं सोच रहा हूँ $1 की लगाते हैं, क्योंकि भाई इसमें मैं वैसे खर्च करना नहीं चाहता, मेरे को खेलना ही नहीं आता क्योंकि ये, तो चलते भाई स्टार्ट करते हैं अपनी, और एक पत्ता आ चुका है एक, और क्या चल रहा भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा, हिट एंड स्टैंड हिट करते हैं भाई, लेट्स सी ये क्या होता है, हिट ही करते हैं पता नहीं मेरे को ये क्या करते हैं, मैं तो खाली कर रहा हूँ, हिट कर दिया मैंने दोबारा, और हिट करते हैं, जीतेंगे या लॉस करेंगे, दोबारा हिट भाई, जिता दो यार क्या कर रहे हो, अरे इतने सारे पत्ते आके फिर भी लॉस पे चले गया भाई, एक और गेम खेलते हैं दोबारा, $1 की बेट लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, और आ जा भाई आ जा, इस बार भाई पक्का जीतेंगे, आ जा इस बार स्टैंड करते हैं भाई, पिछली बार हिट करा था हमने स्टैंड, अरे अब इतनी जल्दी हार गया भाई मैं, एक और भी भाई लास्ट गेम है, स्टार्ट करते हैं एक एक, आ जा भाई आ जा, और लेट्स सी हिट, और दोबारा हिट करते हैं बे, फिर हार गया भाई, कितनी बार हारूंगा, चल आप नहीं खेल रहे यार, चलो भाई यहाँ से चल रहे हैं, यहाँ से सारे पैसे मैं ख़त्म कर दूंगा इसमें, तो भाई सारे पैसे हार जाऊंगा इसमें,
और भाई कार भी यहाँ पे काफ़ी सही सही है वैसे तो, इसकी भी कंडीशन सही है और ये भी सही लग रहा है। ब्रेक तो मेरे को बढ़िया था यार, पर ब्रेक ही नहीं, कोई ब्रेक ही नहीं रहा यहाँ पे, सब ऐश करने आ रखे हैं भाई वहाँ पे। तो लेट्स गो भाई, अभी चलते हैं नेबर रूट में, क्या पता कोई नई कार वगैरह आई होगी तो चलते हैं नेबर रूट में, और क्या कोई सही सी कार मिल जाए ना बढ़िया सी हमारे बजट में तो सही रहेगा। यहाँ पे आज ट्रक ही दिख रहे हैं मेरे को भाई, पहले भी आता मेरे को ट्रक ही दिखे यहाँ पे ज़्यादा, और कार तो मेरे को दिख भी नहीं थी, ये वाली कार एक दिख रही है, एक ट्रक दिख रहा है भाई। लेट्स सी ये कार कितने की दे रहे हैं आंटी जी, कार प्राइस बता दीजिए। वो 2023 का मॉडल है वैसे तो, सही था पर थोड़ा महंगा मिल रहा था भाई। ट्रक कितने का मिल रहा है, ट्रक ही ले लेंगे आज कोई सा। आंटी जी ट्रक कितने का दे रही है, 1986 का ट्रक है वैसे 11,000 का, थोड़ा महंगा है यार। और एक और यहाँ पे एक ट्रक मिल रहा है भाई, मेरे को सही भी लग रहा है वैसे तो। तो लेट्स सी आंटी कितने का देती है, अरे आंटी नहीं है भाई, ये 2000 का है, मतलब 2000 मॉडल का है और ये 4800 का है, और किलोमीटर भी 78 किलोमीटर चले वैसे तो सही है। मैं सोच रहा हूँ ले लूँ एक बार, लुक देख लेते हैं इसका, लुक तो सही लग रहा है तो भाई इसको ख़रीद रहे हैं भाई। लेट्स गो भाई, आज पहली बार हम अपना कोई नया ट्रक ख़रीद रहे हैं, तो लेट्स गो भाई हमने ट्रक ख़रीद लिया भाई, पहली बार हो रहा है कि हमने ट्रक लिया है, वरना मैं कभी लेता नहीं ट्रक, क्योंकि स्टार्ट करके देखते हैं भाई चल रही है या नहीं। भाई चल रही है सही, ट्रक तो सही लग रहा है मेरे को कंडीशन में वैसे, पर थोड़ा धीरे चल रहा है ये ट्रक की, ये दिक्कत है ना थोड़ा धीरे चलता है भाई ये। और भाई एक बार व्यू अपना चेंज कर लेके तो चलते हैं भाई जल्दी से ऑफिस। और भाई भाई कैसे लाइन से कार लगी हुई है सारी यहाँ पे, हट जाओ भाई मेरे को जाने दो ऑफिस। एक ट्रक को आज बेच के रहूँगा भाई, क्योंकि कल हमारे लॉस हुआ था, आज हमें प्रॉफिट करना है किसी भी हालत में, हर बार लॉस तो नहीं ले सकते भाई। सही चल रहा है, स्पीड तो सही चल रही है इसकी, 68-70 तक पहुंच गई है स्पीड। अबे कार वाला कौन आ रहा है मेरे बगल में, ओए ओए भाई ट्रक तो सही चल रहा है वैसे तो, कंडीशन वाइज भी मेरे को सही लगा ट्रक, तो मेरे को लग रहा है हमने सही करा इसे ख़रीद के। तो भाई ऑफिस आ चुके हैं और लस्सी से ट्रक को, ओ आराम आराम से लगा, नहीं 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 बस चलो भाई चलते हैं इस ट्रक को हम थोड़ा सा लगा। ओ भाई हमारे दो स्किल पॉइंट आ चुके हैं, अब इनसे हम कुछ कर सकते हैं, बार्गेन, बार्गेन का ऑप्शन हमारा खुल चुका है, अभी इसको अनलॉक कर लेते हैं जल्दी से भाई। बार्गेन हो चुका है अनलॉक, अब इससे बढ़िया है, अब सस्ते में हम प्राइस में हम खरीद सकते हैं, और स्पॉन्ज भी हम खरीद सकते हैं अब, क्लीन व्हीकल यूजिंग स्पॉन्ज। अच्छा एक ये मतलब एक स्किल पॉइंट का ही है, तो इसे भी खरीद ही लेते हैं, तो भाई इसकी ये खरीद ले, इससे हम गाड़ी साफ़ कर सकते हैं, वरना हमें साफ़ करने के लिए गाड़ी देनी पड़ती है। और ये भाई कूड़ा कौन फेंक देता है यार हमारे ऑफिस के बाहर, भाई पकड़ लिया ना भाई इसको, ठोक दूंगा साले अपनी कार से। तो चलते हैं भाई ऑफिस के अंदर, और आज अपना ट्रक बेचने वाले हैं पहली बार। तो वेब पेज आ चुका है, और ड्रिवली ट्रक है नाम इसका, इसके टाइटल क्या रखे, सोडी ट्रक रख देते हैं, सोडी ट्रक, हाँ टूरिस्ट आप सही है। और इसके प्राइस मैं सोच रहा हूँ कितना रखूँ, 6500 रखेंगे क्या, नहीं 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 थोड़ा महंगा रखते हैं थोड़ा सा इसको, 7000 सही रहेगा मेरे को लग रहा है। तो हो चुका है और डर्टी हो चुका है काफ़ी ऐसे तो, ये फ्यूल भी सही है इसका। तो भाई लेट्स सी अगर कोई कस्टमर आया है या नहीं, और भाई ले लो यार कोई तो ले लो भाई, अरे एक एक आया, एक आया भाई, एक आया कस्टमर, अरे अंकल जी ले लो ले लो ले लो, बढ़िया ट्रक है, हाँ जी ले लो भैया, ये तो सुंदर लाल लग रहा है, टोपी तो उसकी वैसी लग रही है। लेट्स सी भैया कितना प्राइस बताते हैं, ले लो भाई आई एम थिंकिंग, अबे 6232 बोल रहा है वैसे तो, ये इससे थोड़ा सा बार्गेन करा के थोड़ा हाईएस्ट प्राइस बता देते हैं, बार्गेन करते हैं। मैं सोच रहा हूँ इसको 6500 बोल दूँ तो ज़्यादा तो सही रहेगा, क्या पता ले ले भाई 6500 में, भाई मानना है, मान गया भाई, मान गया भाई, या भाई बढ़िया भाई मान गया, 6500 ट्रक हमने बेच दिया है, तो काफ़ी अच्छी डील रही थी भाई हमने। तो भाई हमने आप स्टार्टिंग हमने करी थी 7500 से, आज देख लो हमने 18364 हमने कमा लिया भाई। तो भाई रात भी हो चुकी है, अभी सोने टाइम हो चुका है, वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, सीरीज को हम आगे भी कंटिन्यू करने वाले हैं, और सुपरा जैसे हम मस्त मस्त कार खरीदने वाले हैं। तो चलो अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।